हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, ग्रामर चैप्टर नंबर 6, प्लेइंग इन द पार्क। आज का हमारा टॉपिक है वन और मैनी। वन और मैनी में आप सभी को बताऊंगा कि वन होता है किसी भी सिंगल थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, मैनी होता है टू एट टू मोर देन थिंग्स जब हमारे पास होती है। नेमिंग वर्ड्स कैन मीन वन और मैनी, मोर देन वन। मोर देन वन है बट टू, वन तो सिंगल हो गया और मेनी के लिए होता है वन वन मोर देन, मतलब एक और एक से बहुत ज़्यादा जब हमारे पास थिंग्स होती है तो वहाँ मेनी का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, हमने मैंने पिक्चर में शो हो रहा है कि यहाँ वन बॉल है और यहाँ थ्री बॉल्स हैं, तो हम बॉल्स राइट करेंगे। बॉल है तो सिर्फ वन बॉल, और बहुत सारी बॉल्स है तो मेनी बॉल है तो बॉल्स यूज़ करेंगे। ओके, वन एप्पल मैनी एप्पल्स। ओके, when there is more than one of anything we usually add s at the end of the naming words. there is more things, जब भी हमारे पास more options कुछ होंगे, more things हमारे पास कुछ available होगी, one thing होगी तो सिर्फ स्पेशल का name write करेंगे, but जब हमारे पास anything और one more things होगी तो usually add हम उसके साथ s use करेंगे end of the meaning words, naming words। जब भी हमारा वर्ड्स कंप्लीट होगा उसके एंड में हम एस यूज़ करेंगे, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये मेनी थिंग्स है। अगर सपोज हमारे पास कोई थिंग्स नहीं है और सिर्फ हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है कि बॉल और बॉल्स, तो हम डिफरेंट पता नहीं कर पाएंगे कि अगर बॉल लिख दिया तो वन बॉल के बारे में, बट अगर बॉल्स है तो वो वन मोर थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके साथ अगर एस है तो वो मेनी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारे, अब वन और मैनी के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ राइट किए हुए हैं। अगर वन एप्पल है तो हमने यहाँ एप्पल यूज़ किया है, और एप्पल्स क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास मैनी बहुत सारे एप्पल्स होंगे, तो ये मैनी जहाँ हम एप्पल्स राइट कर रहे हैं तो यही शो कर रहा है कि ये मैनी थिंग्स होगी। हमारे पास वन एप्पल नहीं है, वन से और ज़्यादा भी एप्पल है। कैट है, सिंगल कैट है, और अगर कैट्स है तो ये मैनी को शो कर रहा है हमारे पास बहुत सारी कैट्स होगी। स्टार स्टार्स, बुक बुक्स, कप और कप्स, जहाँ भी एस यूज़ हो जाता है वहाँ वो मेनी को शो करने लग जाता है, और अगर एस नहीं होता है तो वो हमारे पास सिंगल थिंग्स है। तो ये डिफरेंट होता है वन और मैनी में। वन होता है मीन्स हमारे पास कोई सिंगल थिंग्स होगी उसके बारे में, और मैनी वहाँ यूज़ होता है जब हमारे पास वन मोर थिंग्स होती है तो वहाँ हमारा मैनी का यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा दिस। अभी तक हमने वन मैनी पढ़ा है, अब उसके बाद आता है दिस। फर्स्ट हम दिस यूज़ कर रहे हैं, टी एच आई एस दिस। वी यूज दिस इज टू टॉक अबाउट अ थिंग्स नियर अस। दिस इज यूज फॉर थिंगल सिंगल थिंग्स। ओके, दिस हमेशा यूज होता है नियर अस, मतलब जो भी थिंग्स हमारे पास होती है, अवेलेबल होती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसके लिए होता है दीज यूज़ होता है, और दीज हमेशा सिंगल थिंग्स के लिए होता है। कोई भी हमारे पास सिंगल थिंग्स अवेलेबल होगी उसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, दीज इज़ अ बैड, मतलब यह बेड है। अब दीज हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास है, या तो हम बैड के पास है, या बैड के ऊपर हम बैठे हुए हैं, या उसके टच में हैं, तो हमने यहाँ दीज यूज़ किया है। दिस इज़ अ बुक, कोई बुक हमारे हाथ में या हमारे पास में है तो उसके लिए हमने दिस इज़ अ बुक बोला है, यह बुक है, मतलब हम उसको बता रहे हैं। दिस इज़ अ कैट, कैट हमारे पास है। दिस इज़ अ टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन होती है जिसे हम प्ले करते हैं, वो टॉय ट्रेन। दिस इज़ अ विंडो, जब विंडो के पास है, विंडो आपके पास नहीं आ सकती, आप विंडो के पास हो इसलिए हम दिस इज़ अ विंडो, क्योंकि विंडो को आप टच कर चुके हो, विंडो आपके पास है, आप विंडो के पास खड़े हो, इसलिए हमने दिस इज अ विंडो बताया कि यह विंडो है। अगेन मैं बता देती हूँ, वी यूज दिस इज टू टॉक अबाउट अ थिंग्स नियर अस। दिस के लिए हम हमेशा बात करते हैं, जो भी हमारे पास में जो भी थिंग्स होती है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। तो दिस हमेशा सिंगल थिंग्स के लिए यूज होता है, जिसके नियर अस मतलब जो भी थिंग्स हमारे पास होती है, हमारे टच में होती है, उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा दैट। वी यूज़ दैट इज़ टू टॉक अबाउट थिंग्स फार अवे। फार अवे मीन्स जो हमसे दूर है, सिर्फ हम उसको पॉइंट कर सकते हैं कि ये यहाँ कोई थिंग्स हमारे पास है।
वी यूज दैट इज टू टॉक अबाउट अ थिंग फॉर अवे, फार अवे मतलब वो हमसे दूर है. दैट इज यूज फॉर सिंगल थिंग, जैसे दिस हम सिंगल थिंग्स के लिए यूज करते हैं, दैट भी सेम एज इट इज हम दैट भी सिंगल थिंग्स के लिए यूज करेंगे. दैट इज अ बर्ड है ना, दैट इज अ बर्ड क्यों है? देखो दिस था कि जब हमारे पास होती है, जब हम उसको टच कर सकते हैं, और दैट यूज होता है सिर्फ एक पॉइंट कर सकते हैं हम उसके लिए, वो हम टच नहीं कर सकते, हमसे वो बहुत दूर होती है, सिर्फ हम एक पॉइंट ऑफ व्यू करके उसको बता सकते हैं. तो दैट इज अ बर्ड, बर्ड आप सभी ने देखा कि स्काई में फ्लाई करते हुए रहते हैं, तो दैट इज अ बर्ड, सिर्फ हमने एक पॉइंट किया है कि दैट इज अ बर्ड, यह बर्ड है. दैट इज अ स्टार, स्टार आप सभी ने नाइट में देखे होंगे, तो दैट इज अ स्टार, स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं. दैट इज अ ट्री, जैसे हम ट्री से बहुत दूर पे खड़े हुए हैं, तो दैट इज अ ट्री. दैट इज अ बर्ड, दैट इज अ कार, दिस इज अ कार भी हो सकता है जब वो उस कंडीशन में होगा जब हम कार के पास है, और दैट इज अ कार जब होगा जब हम एक पॉइंट ऑफ पॉइंट करके बता रहे हैं कि कार हमसे दूर है, वो दैट इज अ कार. तो ये हमारे दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हुआ है, वन मैनी एंड दीज दैट. ओके.